Yeah, good morning, everyone. In the last class, I introduced the basic idea of the limits, and then we considered the problems based on the algebraic limits, wherein splitting the middle term, that is more important for us to understand. The common factor will cancel out, and whenever you are evaluating any limit, to remember it is a 0/0 form. 0/0 है, you can evaluate that limit, you can continue. Now I am going to introduce a new formula. Consider this, for any positive integer n, limit x approaches to a, x power n minus a power n upon x minus a is n a और a की पावर n माइनस 1. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूला और इसके ऊपर क्लियरली मान मान कर डायरेक्ट एमसीक्यू इजीली बनते हैं. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट और उसके बाद देखिए कैसे अप्लाई करते हैं. लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन. Find this limit. Limit x to 3, x power 4 minus 81 upon x minus 3. In yesterday's class, some student in online asked this question, right? But this is based on this particular formula. So, aaj hum ise le sakte hain. Note carefully. Jab expressions ko agar hum dhyan se compare karein, I can write 81 as 3 की पावर 4. ये तो क्लियर है कि अगर यहाँ अगर 82 भी होगा, we cannot solve that question, right? मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगता. तो यहाँ ये ऑब्जर्वेशन हो गया. अगर आप कंपेयर करो, a की जगह 3 है and n is 4, a is 3 and n is 4. So that answer would be n a power n minus 1, that is 4 into 27, your required answer. 108 aa jayega ye. Now consider another similar application. अब थोड़ा सा logic की और बात करेंगे. Limit x to 4, x cube minus 64 upon x square minus 16 is noted. थर्टीन आर हेयर. तो कुछ ऐसे भी हैं जो क्लास में नहीं है या आज कम आए. नोट केयरफुली, द फॉर्मूला इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल. चल बट हम क्या कर सकते हैं, इफ आई नोट द एक्सप्रेशन केयरफुली. ये क्या था, फोर का क्यूब. आप इसे x माइनस 4 से डिवाइड करो. न्यूमरेटर पे मैंने सिर्फ फोकस किया और फिर ये और बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर, x माइनस 4 से डिवाइड कर दिया. अब ये अचानक से कैसे आ गई x माइनस 4, दैट इज द थॉट प्रोसेस. लुक एट दिस फॉर्मूला, कंपेयर केयरफुली. लिमिट की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जो लिमिट पूरे फंक्शन की है वो ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. मतलब ऊपर अलग से आई कैन राइट लिमिट एक्स टू 4 एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 4 और नीचे भी क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4.
बेनिफिट। न्यूमरेटर अलग से ये फॉर्मूला लग रहा है एंड डिनोमिनेटर में अलग से सेम फॉर्मूला। आइडेंटिफाई करो, विल फोकस ऑन न्यूमरेटर ओनली, बिल्कुल उससे मैच करके क्या लगेगा एन ए एन माइनस वन। नीचे क्या बनेगा एन ए एन माइनस वन, तो थ्री इंटू फोर स्क्वायर अपॉन टू इंटू फोर, तो दैट इज थ्री इंटू फोर बाय टू सिक्स। यस सर, क्लियर आंसर। एनी डाउट टू एनीवन? ऑनलाइन में भी एक बार देख लीजिए ध्यान से। नो डाउट सर। देखो ना, यही तो मेन चीज जो सोचा है कि आपको जब ये एक्सप्रेशन दिया, डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला नहीं लग रहा क्योंकि नीचे लीनियर होना चाहिए, x माइनस है, लीनियर पॉलीनोमियल है। इसे देखकर ये तो न्यूमरेटर में लिखा है, व्हाट इज द बेस ऑफ इट इज अ लीनियर, x माइनस फोर, वो मैंने डिवाइड करा न्यूमरेटर को बैलेंस करने के लिए, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, लिमिट को अब आपने सेपरेट कर दिया, फिर तो डायरेक्ट आपके सामने ही वो फॉर्मूला लग रहा है। चेक करो, बाकी दो एक क्वेश्चन असाइनमेंट के थ्रू आपको मिल जाएंगे। We already have discussed such question, so I will tell you everyone, let me know the answer. Yes. Always remember, 99% तो ये sure है, 0/0 की दिया होगा, but अगर वो नहीं है, possible हो सकता है, तो think in that way, मतलब x को 1 पहले put करके देख लो, क्या ये 0/0 है भी या नहीं है। अननेसेसरी मैं रैशनलाइज करने लग जाऊं, सारे कैलकुलेशन करूं, इट इज 0/0, तो रैशनलाइजेशन से स्टार्ट होगा, करिए इसे स्टार्ट। वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 ही आ रहा है ना, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। 0/0 का मतलब ही यही है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो निकालने का मेथड क्या था, रैशनलाइज करके। सर एक बार क्वेश्चन है कि बता दो, क्लियर नहीं है स्क्रीन। लिमिट x टू 1 न्यूमरेटर में है रूट ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस रूट में है 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x square minus 1. Thank you, sir. So, limit x to 1. Isse rationalize kar diya. P plus x minus ka hai, to ye plus wale factor se ho jayega rationalize. Numerator is a minus b to a plus b, a square minus b square, a square minus b square. नीचे अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये एक्चुअल में x plus 1 into x minus 1 था, और बाकी टर्म ऐसे थे, perfect. When you open this, ये कितना दे रहा है? Numerator कितना आ रहा है? This is 2x minus 2. 2x minus 2 में से 2 common.
ये आ जाएगा। ये एज इट इज सो कॉल्ड आवर प्रॉब्लमैटिक फैक्टर कैंसर, क्योंकि एक्स वन के इक्वल नहीं है। वन बाय फोर ये जीरो वाला भी टर्म लग रही थी वो कैंसर। अब आप एक्स को वन पुट कर दीजिए, उनको एज इट इज था एक्स थ्री थर्वा वन थर्वा थ्री प्लस वन और ये भी कितना आ गया फाइव माइनस वन दैट इज टू अपॉन टू इन टू टू प्लस टू फोर वन बाय फोर योर रिक्वायरमेंट। बिलीव मी अगर आपकी प्रैक्टिस बन गई, जैसे अभी इन्होंने एक मिनट में आंसर से पहले आ गया था, यू ऑल कैन गिव द आंसर डायरेक्टली। देयर इज अनदर शॉर्टकट आल्सो, बट वो डिस्कस ना करते हो जब डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ जाए, क्योंकि डेरिवेटिव की हेल्प से देयर इज अ एल हॉस्पिटल रूल हम बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ सिलेबस में नहीं है, बट लेटर आई विल श्योरली डिस्कस दैट विद यू। यस, एनी डाउट इन ऑनलाइन क्लास? आई सीन सम हैंड रेज। Sanyam, any doubt to anyone? No, sir. Tell me, please mark your attendance in the online class. All in online class, for a sake of simplicity, what I am doing, just right now I am sharing the whole PDF with you. It is shared. आप चेक कर सकते हैं इट्स योर जो भी मैंने क्लास में अभी तक करवाया और जो आगे करवाना है थ्रू आउट इन द लिमिट्स, तो इट्स ऑलरेडी देयर ऑर्डर में सब कुछ करा हुआ है। तो नाउ यू कैन कम टू द स्लाइड नंबर 18। कई बार होता है ना क्वेश्चन चलो थोड़ा डार्क है या जो भी है, इसमें आई कैन नॉट हेल्प मच, बट नाउ यू कैन चेक आउट इन दैट पर्टिकुलर पीडीएफ। रूट फोर इज क्यू टू प्लस टू फोर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। ट्रिगो लिमिट्स के अंदर एक मेन फॉर्मूला मैं वैसे लेने वाला हूं, दैट इज लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू वन। एंड रिमेंबर एक्स इज इन radians or degrees? क्या लगता है? Radians. Is in radians actually. So degrees के अंदर it will be evaluated पर वो answer one नहीं है। वो बाद में किसी से discuss करेंगे। अभी ये simple radian में है। अब अगर आपके सामने मैं question रखता हूँ, what is limit x to zero say cos x? Simple. What is the answer? X to zero रखता। cos 0 finite value answer limit x to 0 cos x by x this is 0 cos 0 to cos 0 1 ho gaya 1 by 0 not defined matlab limit does not exist. लिमिट x टू जीरो tan x by x की बात करते हैं। अब हमने क्या नोट करा, ये जीरो tan जीरो जीरो होता है, जीरो बाय जीरो है, तो जीरो बाय जीरो का मतलब यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब उसको कैसा सोचेंगे, ये मेरा बेस फॉर्मूला है और आप tan को लिखोगे sin by cos, sin by cos, मैं क्या करता हूं एक cos यहां लिख देता हूं और ये वाला x इसके साथ लिख देता हूं,
रीजन लिमिट को मैं सेपरेट कर सकता हूं इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ये, तो इसके साथ लिमिट अलग कर दिया और इसके साथ, दिस इज वन एंड दिस इज ऑल्सो वन, दिस मे ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ फॉर्मूला कि लिमिट x टू 0 tan x by x is also equal to 1, नहीं तो आप इस तरह से इसे सोच सकते हैं. There is a graphical and algebraic both the method and there is a theorem particularly referred to as a sandwich theorem. तो उस केस में जब मैं एक्चुअल में sin x by x का ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ मेरा दो फंक्शन के ग्राफ के बीच में लाई कर रहा है, cos x and y equal to 1. तो उसके थ्रू हम इसको विजुलाइज करते हैं कि आंसर 1 के इक्वल ही रहने वाला है, बट वी आर नॉट टेकिंग द प्रूफ ऑफ दैट इन आवर सर्विस, राइट. तो एनसीईआरटी में वो चीज बताई गई है, यू कैन गो थ्रू दैट कि ग्राफिकली हाउ वन कैन विजुलाइज दिस. If I would have been in an online mode, तो को मैं software के थ्रू आपको इजीली ये दिखा देता, but अभी वो possible नहीं है. Consider the following question. Evaluate the following limit. Limit x to 0. साइन 2x by x, yes. मास्क ऊपर यार, आप तो क्लोज बैठे हुए हो ना, और ध्यान रखो बार बार. यस, बेस फार्मूला ये रहा. अब ये सब बनाने के लिए तीन चीजें एक साथ नोट करो, x यहां पर और यहां पर, ये तीनों सेम होने चाहिए. बेसिक ऑब्जर्वेशन टू आ जाएगा. यस, तो अब यहां पर मैं इसको तो चेंज कुछ गिना नहीं सकता, बट इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट. टू से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2x हो गया, बैलेंस करने के लिए टू से डिवाइड बेसिकली हो गया, टू से रैशनलाइज हो गया ना सिंपल वे. अब जरा फिर सोचिए, x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, व्हाट अबाउट 2x? डोंट यू थिंक सो दैट विल आल्सो अप्रोच टू 0? इफ x इज अप्रोचिंग टू 0, 2x विल आल्सो अप्रोच टू 0. ये और ये सेम हो गए. अगर ये तीनों सेम हो गए, इसका मतलब ये एक्चुअल में आ गया 1 into who much hour you are required answer. Sir? Yes. Sir, हम अगर इसको open कर देते तब भी sin x by x में मिल जाता, उसको हम one कर देते तो तुम cos x आ जाता और x की value डाल देते. बिल्कुल कर सकते थे, but अगर मैं इसकी जगह sin 10x कर देता, 2 की जगह 10 कर देता. Yes, sir. Right. You need to understand कि I am preferring to talk in terms of a general situation, right? तो जैसे अब मैं एक general question ले रहा हूँ, ये हमने PDF open कर लिया है online में, देखें check it out, ये third part है, limit x to 0, sin ax upon sin bx, yes. आप चेक करिए यहां ax है, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए आई विल डिवाइड दिस बाय ax, ax से डिवाइड कर दिया और बैलेंस करने के लिए ये कर दिया ax. लिमिट को मैं सेपरेट कर सकता था, ये हम पहले देख चुके हैं, तो नीचे भी लिमिट x टू 0 क्या करेंगे, dx से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई,
एट द सेम टाइम दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां ए और यहां पी एक्स लिख सकता हूं। अगर x अप्रोच टू जीरो है, ax will also approach to zero. Note carefully. Okay, क्या बन गया? One. x से x cancel. One into a upon one into b. A by b. Answer. A by a. तब मैंने सर डिफरेंट तरीके से किया था। सी को पॉसिबल है डिफरेंट वेज, इसमें बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग टू डिफरेंट अप्रोचेस। यस सर। एनसीईआरटी में तो इसको भी एज अ फॉर्मूला की तरह दे दिया है कंफ्यूजन में, कि चलो ये भी याद करो। आई जनरली डू नॉट रिकमेंड, बाकी आप कर सकते हैं। एज अ क्वेश्चन रीड करिए, लिमिट x टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, करिए एग्जांपलिटी। अब यहां 11 के फार्मूलास का रोल आ जाएगा। कम से कम इसको सॉल्व करने के मुझे तीन मेथड पता है, दो मैं डिस्कस करता हूं। Look at 1 minus cos x. Generally, I prefer go with rationalizing. क्योंकि formulas में कई बार student गलती कर लेते हैं. Otherwise, this is 2 sin square x by 2. ये सोचना शायद मुश्किल होगा in general. दो आना चाहिए. तो मैं पहले एक easy approach ले रहा हूँ, जो most of the students prefer करते हैं. और वो है look at 1 minus cos x and rationalize. ये देखते ना, x को 0 रखा, पहले स्टेप में 1 minus 1 0 by 0 उस फॉर्म में था, 0 by 0, इसलिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। a minus b a plus b 1 minus cos square आ गया, एक साथ ऐसे लिख दिया, वन माइनस cos square तो 10 की बात आ गई, कितना होता है sin square x। अब थोड़ा स्मार्ट लिखिए, इस x square को तो मैं इसे ले लेता हूं और लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इसके साथ। नोट केयरफुली, लिमिट अगर किसी फंक्शन की प्रोडक्ट में जाती है एफ एक्स इंटू जी एक्स, आई कैन इजीली सेपरेट दैट, बट वो सेपरेट भी लॉजिकली करते हैं। वो भी मैंने ये देखा कि ये एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है डायरेक्टली और ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर एक साथ लिख दें, क्या आ जाएगा? साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। आई कैन राइट दिस एज लिमिट एक्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। बेसिकली ये चीज दो बार आ गई, उसके साथ भी लिमिट सेपरेट हो जाती, 1 इनटू 1 आ जाता, क्या डायरेक्ट सोच लो ये 1 स्क्वायर आ चुका है। ये फॉर्मूला बन गया 1 1 स्क्वायर और ये चला भी आ सेट इस मैं लिख देता हूं लास्ट स्टेप में हम एक साथ 1/2। अब जब मैंने फॉर्मूला बताया ये तो 1 स्क्वायर आ गया, यहां cos 0 1 होता है, फाइनाइट वैल्यू आ गई 1/2, ये रिक्वायर्ड आंसर।
आफ्टर दिस मैंने स्लाइड में सिंपली अब आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ले लिया है 13.1. देयर इज 13.1, 13.2 एंड मिसलेनियस. तो 13.1 में ही सिर्फ लिमिट्स की बात करी गई है, 13.2 डेरिवेटिव्स है और मिसलेनियस में थ्रू आउट डेरिवेटिव ओनली है और वो अब आपका टर्म 2 में आ गया. तो ओनली 13.1 हमें करनी है, राइट. तो चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस. स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन एक ही साथ रखे हैं बिकॉज दे आर वेरी सिंपल. व्हाट इज द आंसर? 6. सेकंड में ऑलरेडी करवा चुका हूं. थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x to लिमिट r goes to 1 pi r square. Pi only. No need क्या आप इसको 22/7 लिखकर यहां आंसर को दे. ऑलरेडी डिस्कस. फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. लिमिट x to -1 x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. कैसे करोगे फैक्टराइज या क्या किया जाए? डायरेक्ट x की जगह एक बार सब पुट करके देखेंगे. 0/0 नहीं आ रहा. यस, नॉट डिफाइंड. x की जगह मैंने रख दिया. नो लिमिट एग्जिस्ट. दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 2. 1 से 1 कैंसिल, माइनस 1/2. अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है कुछ करना ही नहीं. दैट्स इट. डायरेक्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शन कुड बी आप इसका फिफ्थ पावर ओपन कर लीजिए. उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम हमें पता होनी चाहिए जो टर्म 2 में. तो इसलिए आई एम अवॉइडिंग दैट. एक फॉर्मूला मैं ये कर चुका हूं. लिमिट x टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a. बट इनिशियली देखकर नहीं लगता कि ये इस फॉर्म में है. देखकर नहीं लग रहा. चलिए कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देख लें. लिमिट x टू 0 1 को तो मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 5 नीचे x के साथ प्लस 1 कर दिया माइनस 1 कर दिया. कुछ सिमिलैरिटी बननी शुरू हुई. यस सर. वो सोचने के लिए क्या करो आप x प्लस 1 5 z चॉइस कुछ भी ले x प्लस 1 को y ले लिया. तो ये एक साथ दिखता ना ऐसे. अब लॉजिक की बात करते हैं. व्हेन x अप्रोच टू 0 y किसको अप्रोच करे जब ये 0 हो रहा होगा y विल अप्रोच टू 1. मींस मेरा क्वेश्चन अब y की टर्म में जरा चेंज कर दूं क्या लिखा जाएगा. x की लिमिट्स को मैं y की टर्म्स में ला रहा हूं. यहां क्या लिखूंगा वो मैं x प्लस 1 को y लिया था. नीचे क्या लिखा गया है y माइनस 1. लुक एट द फॉर्मूला नाउ. आगे एग्जैक्टली उसी फॉर्म में क्या बना n a n माइनस 1 यू आर रिक्वायर्ड आंसर. सो बेसिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस तो हम बिल्कुल लेंगे
देयर आर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एंड हायर कॉन्सेप्ट्स आल्सो, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो बस प्रेजेंटेशन आप देख लेना घर जाकर, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है नेक्स्ट 2-3 क्लासेस का। और सेवन एट सारे इजी हैं, डायरेक्ट हैं। एट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टू 3 प्लीज चेक दिस आउट। टू एक्स स्क्वायर क्या है, 2x² माइनस 5x माइनस 3। ओके, चलिए करिए इसे फैक्टराइज। तो 108/7। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये आइडिया अपने आप करना शुरू हो जाता है कि मैं इसे क्या लिखने वाला हूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9² ये 8 में करेंगे, और ये जब आप फैक्टराइज करोगे एक्स माइनस 3 इनटू 2x प्लस 1 आर। चेक कर लीजिए मैंने स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म कर दिया, तो अब आप अपने आप पूरा 2x चेक करेंगे, यही आने वाला है। और ऊपर जब फाइनली फैक्टराइज होगा x माइनस 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9, देखो कुछ ऐसा आ रहा है। क्लियर था ये वाला प्रॉब्लमेटिक फैक्टर, कैंसिल आउट। अब आप x की जगह 3 पुट कर दीजिए एंड सिंपलीफाई। यस मेरा यहां भाई x स्क्वायर का स्क्वायर लिख देना क्योंकि x पावर 4 था, भाई ये x माइनस 3 है। आप इसको सॉल्व करो ना, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। What is a square minus b square? a minus b into a plus b. फिर इसे factorize कर दिया, a minus b, a plus b. ये तो समझ आ गया, और ये applicant लिख दिया। तो बस मैंने ये step direct copy लिख दिया था यार। Sir 18 आ गया। अब वो आप answer बच्ची के आप check कर सकते हैं। Tenth question, limit z to 1 now this is more of logic, z ki power 1/3 minus 1 hai aur z ki power 1/6 minus 1 चेक कर लो 0/0 था, 1 पुट करा है सेम की जगह 1 माइनस 1 1 माइनस। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, क्या मैं इसे z स्क्वायर करके 1/6 लिख सकता हूं? वाले एक मिनट, मुझे इसे स्प्रिंट करना है, तो मैं फैक्टराइज इसे करने वाला हूं या इसे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर फैक्टराइज इसे करना बेटर रहेगा। अगर मैं इसे लिख देता हूं z पावर 1/3 का बन रहा
1/3 है, मैं स्क्वायर और यहाँ 1/6 कैसा z पावर 1/3 को मैं ये 2/6 लिख सकता हूँ ऐसे नीचे ऐसे। और यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहा, सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सोच रहा हूँ 7 क्लास का। 1/3 को लिख दिया 2/6 और 2 को बाहर कर दिया, क्यों? x square minus y square factorize हो गया, क्या लिखा जाएगा? z power 1/6 minus 1 z power 1/6 plus 1 a square minus b square a minus b into a plus b नीचे as it is, ये factor cancel, z को 1 put कर दिया, 1 plus 1 सर, बट इतना तो करने की जरूरत ही नहीं थी। नॉट गेटिंग, दोबारा बोलो। सर हमने जो एक पहले क्वेश्चन किया था जिसके अंदर ऊपर नीचे पावर्स डिफरेंट थी बट बेस दोनों में सेम थे, तो हमने जैसे किया था उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं ना? 1 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, z माइनस 1 से डिवाइड एंड देन अप्लाई दिस पर्टिकुलर फार्मूला, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन हियर। सर मैंने उससे भी नहीं किया, अभी मैंने फैक्टराइजेशन किया था इसीलिए आई एम यूजिंग दिस अप्रोच, अदरवाइज डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z माइनस 1 एंड अप्लाई दिस फार्मूला, सेम आंसर है। सो दैट यू कैन ऑलवेज डू इन एज एन ऑल्टरनेटिव मेथड। इलेवेंथ को बहुत सिंपल एंड डायरेक्ट है, ट्वेल्थ के को पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यस, क्वेश्चन 1 से 14 तक, इनफैक्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं अप टू स्लाइड नंबर 25 इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्लाइड नंबर 25 का मतलब समझ आ गया ना, जो पीडीएफ शेयर हुई है उसके 25 पेजेस तक हो चुका है। एवरीवन इन द ऑनलाइन क्लास प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। वेलकम, गुड डे। थैंक यू सर। या थैंक यू, टेक केयर। Thank you.